प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया डिसलाइक इट अगर आपको पसंद नहीं आया और मुझे कॉमेंट्स में बताएं आपको क्या पसंद में नहीं पसंद नहीं आया इस वीडियो में एंड प्लीज डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड सोशोलॉजी एज साइंस इस टॉपिक में हमें सोशोलॉजी और साइंस का रिलेशन जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे देखो सोशलॉजी और एंड एज साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा जो फाउंडिंग फादर्स थे सोशलॉजी के फाउंडिंग फादर्स उनका ये मानना था कि सोशोलॉजी को आप वैसे स्टडी करो जैसे आप क्या स्टडी करते हो नेचुरल साइंसेस दैट मीन्स जैसे आप साइंटिफिक स्टडियाँ करते हो वैसे स्टडीज करते हो वैसे आप सोशोलॉजी को भी स्टडी करो ठीक है लेटर ऑन इसमें कुछ काउंटर करंट डेवलप हो गई जो इस थॉट के एंटी थी ठीक है उनका क्या मानना था कि सोशोलॉजी में आप बेसिकली व्हाट आर यू स्टडिंग यूर स्टडिंग पीपल और लोग जो होते हैं दे अटैच सम मीनिंग टू द इंटरैक्शन है ना आप उनको लेबोरेटरी में यू कैन नॉट स्टडी अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड अ लेबोरेटरी क्योंकि जो ह्यूमन बींग की फीलिंग्स है इमोशन है उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे जैसे आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स uh, में रेगुलेट करते हो ठीक है

कुछ क्या चीज टर्म्स अगर आपने देखे होंगे सोशल स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे ये जो है ये इंट्रोड्यूसनिकल इक्विब्रम का है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो एक यूनिट को आपस में कोहेजन जो है बना के रखते हैं एक सोसाइटी का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जैसे आपका फैमिली हो गया ठीक है या आपका रिलीजन हो गया तो ये हम मैके टेलकॉट पार्सन जब हमें थिंकर पढ़ना है तब हम ये इन डिटेल पढ़ेंगे सोशल स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स कभी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली इसलिए मैं आपको बताती हूँ ये ऑगस्ट कॉम्टे का कॉन्सेप्ट है उन्होंने क्या कहा था कि सोसाइटी में आपको कुछ चीजें स्टैटिक्स स्टैटिक होंगी और कुछ डायनेमिक होंगी जो आपको स्टडी करनी होंगी एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कोई एक सोसाइटी आप पढ़ रहे हो कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी वहां के कुछ ट्रेडिशन है ठीक है या नॉर्म्स है ये वैल्यूज है वो काफी जनरेशन से चले आ रहे हैं मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं आई है वो टाइम इवॉल्व नहीं हो गए हैं वो एज इट इज लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो एक सोसाइटी का एक सोशल स्टैटिक कॉम्पोनेंट हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदूज में आप देखो पैर छूने की आ, का जो ये आ, रिवाज है ये एक स्टैटिक सोशल स्टैटिक चीज है जो काफी जनरेशन से चली आ रही है और अभी चेंज भी नहीं होगी मॉडर्न टाइम में भी आके सेम एज इट इज जो है वो आ गई है फाइन ये सोशल स्टैटिक वाला कंपोनेंट है अब सोशल डायनेमिक हो गया जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थोड़ा मॉडर्निटी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ चीजें जो विद टाइम इवॉल्व होती हैं कुछ ट्रेडिशंस जो चेंज हो जाते हैं तो वो आपके सोशल डायनेमिक्स में आ जाते हैं ठीक है थीके? वैसे कोई सोसाइटी के एग्जाम्पल लो कोई एक फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते होते फिर भी टाइम वो फेस्टिवल इवॉल्व हुआ उसमें मीनिंग्स नए ऐड होते गए नए ट्रेडिशन उस फेस्टिवल से ऐड होते गए तो वो आपका सोशल डायनामिक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ठीक है हम आगे चलते हैं उससे पहले थोड़ा इरेज कर दें साइंस साइंस साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक ठीक है पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करना है वो इंट्रोडक्शन था अर्ली स्कॉलर जो थे वो ग्रेटली इन्फ्लुंस बाय नेचुरल साइंसिस एंड द इंपैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी अब देखो क्या इंपैक्ट किया था ह्यूमैनिटी पे हमारे पास डिजीजेस थी अब इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा क्यों जो फाउंडिंग फादर्स से चाहते थे कि साइंटिफिक स्टडी साइंटिफिक वे में स्टडी करो आपको डिजीजेस थी सोसाइटी में कुछ डिजीजेस थी फॉर एग्जाम्पल तो साइंटिफिक स्टडी करके उन डिजीजेस के लिए क्या लेके आए उनका क्योर लेके आ गए ठीक है तो इसका इम्पेक्ट हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी तो इस चीज से वो काफी इंस्पायर हो गए उन्होंने कहा जैसे ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है ह्यूमैनिटी को जब हम नेचुरल साइंसिस में ज्यादा रिसर्च और स्टडी करते हैं वैसे ही आप सोसाइटी में भी स्टडी करो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा आपकी ह्यूमैनिटी पे कॉम्डी जो था उन्होंने मतलब ही वाज सो मच इंस्पायर्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस दैट ही इनिशियली नेम्ड हिज डिसिप्लिन एज सोशल फिजिक्स जी की जगह सोशल फिजिक्स रखा था विच लेटर डेवलप्ड इन टू सोशोलॉजी ठीक है सिमिलरली हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिजमिक एनालॉजी वॉज गाइडेड बाई सिमिलर इन्फ्लुस अभी इनकी ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी क्या थी देखो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया था ठीक है और लोगों को डायसेक्शन पता चल गई थी बॉडी को डायसेक्शन ऑफ बॉडी का कॉन्सेप्ट भी आ गया था लोगों को पता था अब डॉक्टर्स को साइंटिस्ट को पता था कि बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है जब पहली बार डाइसेक्ट किया तो पता चला ये जो ऑर्गन्स है बॉडी के ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है दे वर्क टुगेदर फाइन फॉर एग्जांपल हार्ट है ये ब्लड पंप करता है अगर ये हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे द पर्सन योर बॉडी विल नॉट सर्वाइव ठीक है और लिवर है ये फिल्टर करता है फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर अपना प्रोसेस सही से नहीं करेगा द पर्सन विल नॉट सर्वाइव दैट मीन्स इन ऑर्डर फॉर द पर्सन टू सर्वाइव एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे नीड टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन इन अस्टमैटिक मैनर सिमिलरली ही बिलीव की सोसाइटी में बी एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट देव टू वर्क कोहेसिवली ठीक है दे हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली इन एन ऑर्डर फॉर द सोसाइटी टू सरवाइव तो ये भी इन्होंने कहांस लिया था बायोलॉजिकल साइंसेज से और डावनिज्म से ये डावेज्म का भी एवोल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो uh, मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी सर की वो वो आप देख सकते ठीक है, है। आपको sensory perceptions से ही मिलती है। वो क्या हुआ कि जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो जो चीज आप टच कर सकते हो वही चीज आपको ट्रू नॉलेज देगी अगर आप इंसान को स्टडी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ठीक है आपका सेंसरी परसेप्शन क्या है कि आप देख रहे हो कि वीडियो रिकॉर्ड करिए मेरी आवाज सुन रहे हो अगर मैं एक्चुअली इस टाइम पे काफी गुस्से में बैठी हूँ मेरा एंग्री काफी अंदर से मुझे काफी गुस्सा है किसी चीज का वो आपको पता नहीं चल रही है वो आप नोट नहीं कर रहे तो वो एक सोशोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए जो उसको सेंसरी परसेप्शन जो वो देख रहा है जो फील कर रहा है जो सेंस कर पा रहा है सेंसरी सेंसरीव में आता है चाहे वो टच हो फील हो या देखना हो स्मेल हो सिर्फ वही आपको ट्रू नॉलेज दे सकता है और मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है कि मुझे किसी बात का कोई गुस्सा हो किसी के रिलेटेड तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए वो एक सोशलॉजिस्ट के लिए

ऑब्जेक्टिविटी है सब्जेक्टिविटी नहीं है सब्जेक्टिविटी होगी जब आप अपने मीनिंग्स किसी चीज में डालो ऑब्जेक्टिविटी हुई या बिल्कुल विदाउट एनी बायस और प्री कंसीव नोशन उस चीज को स्टडी करो इसका जो अप्रोच है इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट स्पेकुलेशन इट इज यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन इन टाइम एंड स्पेस ठीक है जो लॉ पहले बना था साइंटिफिकली अगर वो कोई लॉ प्रूव हुआ होगा तो वो लॉ स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम वो अभी भी जैसे न्यूटन्स के लॉ देख लो आप न्यूटन्स के लॉ हर जनरेशन में पढ़े सेम थ्री लॉज ठीक है तो वो जो है वो अभी भी एप्लीकेबल होते हैं ये इसकी एग्जाम्पल हो गई आगे चलते हैं अर्ली सोशलॉजी लाइक कॉमटे डिक्लेयर सोशोलॉजी इज द लास्ट ऑफ द साइंस टू बी डिस्कवर्ड अब देखो उनका क्या ऑब्सेशन था साइंस के साथ वो कैसे लास्ट ऑफ द साइंस टू बी डिस्कवर्ड इज सोशलॉजी सोशलॉजीडर्ड एज अ साइंस बाई द अर्ली स्कॉलर्स अर्ली स्कॉलर्स ने भी साइंस कंसिडर किया एज दैट इट हैज कंसिडरेबल इन टेक्ट रिलायबिलिटी अब देखो इंटर इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी क्या होता है कि आप चीजों को यूनिवर्सल मीनिंग्स देते हो मीनिंग ऑफ हु इज इन्वेस्टिगेटर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रही हूँ किसी अफ्रीकन सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हो एशियन सोसाइटी को ठीक है तो जो मैं फैमिली के बारे में बोलूंगी फैमिली की स्टडी करूंगी ऑलमोस्ट उन्नीस बीस का फर्क तो होगा ऑलमोस्ट एटी परसेंट जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो दोनों सोसाइटीज में सेम होगा कि फैमिली बेसिकली है क्या जिसमें कुछ लोग रहते हो फिर कितने लोग क्या रहते हो वो चीज इट कैन बी एट वेरियंस लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कोर कॉन्सेप्ट है वो चाहे फैमिली हो या रिलीजन हो या पॉलिटिक्स हो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो इकोनॉमी हो वो सेम होता है ठीक है तो यही होता है इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी की जो डिसिप्लिन हैज ई कॉन्सेप्ट इनका यूनिवर्सल मीनिंग है इ रेस्पेक्टिव ऑफ हुज इन्वेस्टिगेटर ठीक है खेम ने कहा मीनिंग सोशल फैक्ट्स ये सोशल फैक्ट्स है या आइडियल टाइप्स है ये आपको इन डिटेल पढ़ना है थिंकर्स में यहाँ पे बस आपको ओवरलोड हो जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन uh, फिर आप ये समझो या साथ में वो समझो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो जो जो uh, यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ ठीक है अगर आपको डाउट है ये हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं आप डायरी पे नोट कर सकते हैं हमने क्या क्या की uh, वर्ड्स क्या क्या टर्मिनोलॉजी स्किप की है ये फिर हम थिंकर्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे देन यू कैन कम बैक टू दिस चैप्टर और फिर आपके स्टेटमेंट जो है ज्यादा हो जाएगी अभी के लिए बता दूं दुर्खेम जो थे ये भी पॉजिटिव इज दैट मींस ये भी uh, किसमें बिलीव करते थे कि हमें सोसाइटी को कैसे स्टडी करना चाहिए साइंटिफिक वे में और काफी इंपॉर्टेंट स्टडी थी इनकी स्टडी ऑफ सुसाइड की जो भी इन्होंने कहा था ये एक सोशल फिनोमेना है और इट इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ठीक है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है ये सोशल फिनोमेना है ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है तो ये जो एंड आइडियल टाइप्स वगैरह है वेबर का कॉन्सेप्ट ये भी हमें इन डिटेल पढ़ना है जब हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी आगे देखते हैं सो इट हाउस रियलाइज नॉट बी डेवलप्ड ऑन द ऑफ नेचुरल साइंस वो क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सोशोलॉजी डिफिकल्टी ऑफ बिंग एम्पेरिकल आप कोई बात बोल दो लेकिन आपका हिडन मीनिंग को चोर होता है आपका हिडन एजेंडा को चोर होता है और जब आप लोगों को स्टडी करते हो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड ठीक है इंडक्टिव एंड यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन फाइनली डिफिकल्टी इन टेस्टिंग द रिजल्ट देखो इंडक्टिव मीन्स आप कोई चीज देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो बाद में आपने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए ठीक है तो सोसाइटी में ये चीज़ डिफिकल्ट है क्योंकि वो जो आपके कंक्लूजन है आप उसको कित हद तक रेप्लीट कर पाओ किस हद तक वो यूनिवर्सल है आप जो लॉज बनाओ वो टाइम अक्रॉस टाइम एंड स्पेस सही है कि नहीं जैसे साइंटिफिक मेथड में होते आपको न्यूटन लॉज की बात की वो आज भी इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम लेकिन क्या सोसाइटी में ऐसे आस्पेक्ट्स हैं अब अभी आप कोई लॉ बनाओ यूनिवर्सली अक्रॉस टाइम एंड स्पेस अप्लाई होता है कि नहीं तो ये सारी डिफिकल्टीज आती है जब आप सोशोलॉजी को नेचुरल साइंस के वेज में पढ़ना शुरू करते हो एक्सपेरिमेंटेशन इज द कोर ऑफ नेचुरल sciences बट इट इज rarely पॉसिबल इन केस ऑफ सोशल साइंस मैंने कहा लैब में किसी इंसान को टेस्ट करना ऑल तो हमारे पास जो साइकोलॉजी में ये है साइकोलॉजी लेबोरेटरीज वगैरह है शिकागो यूएसए से डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे आप ये सारी uh, कर सकते हो टेस्ट साइकोलॉजिकल मैंने आपको जब इनके बीच में डिफरेंस भी बताया था तो मैंने आपको कहा था जो साइकोलॉजी है ये क्लोजर है टू द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेज एज कम्पेयर टू सोशोलॉजी ठीक है सोशोलॉजी ऑल्सो डजेंट हैव द लग्जरी ऑफ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स आप ह्यूमन इमोशन को लेबोरेटरी में टेस्ट करो किसी ह्यूमन को फिर एक एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है साइंस में आप क्या करते हो कि किसी को आप टेस्ट कर रहे हो किसी चीज को आप उसके टेम्परेचर प्रेशर को अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो लेकिन ह्यूमन्स पे आप वो नहीं अप्लाई कर सकते हो अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन के नॉट बी क्वांटिफाइड कोई बात है, इशारो इशारों में आप कर रहे हो वो चीजें आप कैसे क्वान्टिफाई करोगे वो चीजें एक रिसर्चर कैसे क्वान्टिफाई करेगा जो हम इशारों में कर रहे हैं ठीक है ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस क्योंकि वो डील करता है ह्यूमन माइंड के साथ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डी कोड दे के नॉट बन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइट इन सोशल एक्शन मस्ट बी अंडरस्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग द मैन अटच टू देम वेबर का कॉन्सेप्ट है कि जो मीनिंग उसको इंसान अटैच करे वो वैसे स्टडी करो अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग ठीक है आप उसको एक जनरल उस अम्ब्रेला टर्म नेचुरल साइंस के अंडर आप सोशल साइंस को सोशोलॉजी को खासकर नहीं लेके आ सकते हो फॉर एग्जाम्पल कभी क्लास में ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज पहले डिस्कस की हो फिर मैम वही चीज़ बोले तो जो ही मैम ने बोला आप एकदम से अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो कि देखा मैम वही बात बोल रही जो हमने बोली तो वो जो देखना होता है वो देखना अगर कोई ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा है वो क्या उसको स्टडी करेगा नेचुरल साइंस वे में कि हाँ देर लुकिंग एट टीचर देर नहीं अगर आप मीनिंग्स अटैच करके उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा उस देखने को हमने क्या मीनिंग दिया था मैंने और मेरे फ्रेंड ने ठीक है तो ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ क्योंकि सोशलोजी अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी अदरवाइज मैं नहीं चाहती आप इन लेक्चर्स में बोर हो जाओ कार्ल पॉपर ने कहा साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज बट अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग एंड सोशलॉजी ऑल्सो इज की फीचर्स ऑफ साइंस ठीक है ने कहा ठीक है इतना भी नहीं बोलो कि आप साइंस आप बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर सकते हो साइंस साइंटिफिक मेथड जो है साइंटिफिक मेथड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड्स यू कैन यूज टू स्टडी सोशियलॉजी ऐसी कोई बात नहीं है एक अप्रोच है इट इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज लेकिन ये एक मेथड ऑफ अप्रोचिंग है और सोशियलॉजी के भी कुछ की फीचर्स हैं जो साइंस से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल पर्स्पेक्टिव है सोशलॉजी में मैथड्स ऑफ स्टडी सब्जेक्ट मैटर एक्सेट्रा अब देखो साइंटिफिक मेथड uh, होता है इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं पहले ऑब्जर्वेशन हो गया ऑब्जर्व करो ठीक है फिर जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया उसको क्लासिफाई करो जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड करोगे बाद में जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करो साइंटिफिक मेथड uh, के फॉलोइंग एलिमेंट से पहले पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन की डिफाइन करो आप एक्चुअली करने क्या वाले हो ठीक है साइंटिफिक मेथड में फिर हाइपोथेसिस ये मैंने आपको बोला ये एक कॉमन सेंस नॉलेज से डिराइव की गई एक स्टेटमेंट है जिसके अराउंड आप अपनी स्टडी को बिल्ड करते हो ठीक है ये हाइपोथेसिस बाद में जो हाइपोथेसिस है इधर ये ट्रू प्रूव होता है और ये फॉल्स प्रूव होता है फिर इसके कैसे क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हमें हाइपोथेसिस को अलग से यहाँ पे बस इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग रिसर्च मैथ एंड बिल्डिंग कॉज एक्सप्लेनेशन ठीक है आप बाद में इफॉर्मेशन गैदर करते हो कुछ रिसर्च मैथड्स लेके और फिर उनका जो कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो बताते हो वो एक्सप्लेन करते हो वो मैथड्स क्या हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन सर्वेज इंटरव्यूज वगैरह अब देखो पहले प्रॉब्लम एंड डेफिनेशन होगी फिर हाइपोथिस फॉर्मुलेशन हो गया फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट करो फिर कोई थियोरी बिल्ड करो ठीक है उसके बाद आप दोबारा से इवेलुएट कर सकते हो एक नए मैथडोलॉजी से यूज करके और बार बार अगर आपको सेम रिजल्ट डिराइव हो गए

दे रिजल्ट इन टू थियोरीज और जनरल लॉज साइंटिफिक मेथड जो है इट ऑल्सो बिकेम पॉपुलर अमंग सोशोलॉजिस्ट इन नाइनटीन सेंचुरी जब अर्ली सोशोलॉजिस्ट जो थे वे ऑबसेस्ट विद साइंस ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला टाइम था ठीक है लेट लेटर ये पता चला की इट मे नॉट भी वेरी सुटेबल इसमें ऑब्जर्वर बायस भी है जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है वो बायस भी आता है नॉन रिस्पॉन्स बायस भी है क्योंकि अगर आप ऐसे टेस्ट कर रहे हो साइंटिफिक वे में तो हो सकता है आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिले ह्यूमन से उस चीज का क्योंकि दे कैन मास्क देयर इमोशंस एंड सोशल डिजायरेबिलिटी बायस के एक्चुअली आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आपकी डिजायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं आप क्यों किसी एक चीज को डिजायर कर रहे हो रिसर्च करने के लिए वो वाला बायस भी ठीक है इसीलिए साइंटिफिक मेथड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो फिर आगे देखते हैं

एक्सपेरिमेंट जो है सोशियोलॉजी में कंडक्ट करनाथड इन सोशियलॉजी ठीक है ये ऑब्जेक्टिव so, फैक्ट जैसे आउटकम ऑफ साइंटिफिक मेथड में होता है वो सोशोलॉजी में नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें दे आर वैल्यू जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स जो इफेक्ट करती है रिसर्च इन सोशलॉजी अगेन मैं अगर बोलूं आपको वुमेन एम्पावरमेंट में आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो अगर ये मेल कर रिसर्चर है या फीमेल रिसर्चर है कोई ना कोई डिफरेंस चाहे वो एक ही सोसाइटी को स्टडी करें एक ही मेथड यूज करें लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस इनकी फाइंडिंग्स में होगा ठीक है ये मैं अभी एग्जाम्पल इसकी क्यों दे रही हूँ जनरल एग्जाम्पल आपको जेनेरिक्स मेल फीमेल इविन इंपावरमेंट क्योंकि विविन थिंकर्स नहीं पढ़े हैं जब थिंकर्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसमें कार्ल मार्क्स या वेबर करके आपको ये इसकी एग्जाम्पल दे सकती हूं पर अभी वो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए जेनेरिक्स के एग्जाम्पल जो आपको बिना थिंकर्स पढ़ी भी समझ में आ सकती है कि अगर मेल मेंबर ये स्टडी कर रहा है और फीमेल मेंबर इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा वो क्यों क्योंकि ऑब्जर्वर बायस भी एक चीज है ठीक है रिसर्चर का जो अपना जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स है उसकी वजह से भी आपकी रिसर्च वेरी हो जाती है एडोनो ने कहा था कि साइंस जो है सफोकेटिंग है और एक किल करता है क्रिएटिविटी और ह्यूमन फ्रीडम को साइंस एक न्यू रिलेज से रिलीजन में क्या होता है ब्लाइंडली आप फॉलो करते हो जब आप ज्यादा साइंस साइंटिफिक चीज़ों की तरफ ज्यादा जाने लगते हो तो आप साइंस भी एक रिलीजन की तरह ट्रीट करते हो उसको क्वेश्चन करना स्टॉप कर देते हो उसकी ब्लाइंड फॉलोइंग बढ़ जाती है और ये ह्यूमन फ्रीडम को खत्म कर देता है जो जो कि आपको सोशल साइंस की स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बैंड ने कहा साइंटिफिक मेथड जो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं चॉइस ऑफ रिसर्चर को एंड सोशोलॉजिकल रिसर्च शुड बी लिबरेटिंग एंड नॉट कॉन्स्ट्रेनिंग ठीक है ये चॉइस ऑफ रिसर्चर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है अब हमें नेक्स्ट uh, टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक करें डिसलाइक करें जो आपका मन करेगा आपको पसंद आया वीडियो लाइक करें वो कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी अगर क्वेश्चन हो या कोई भी अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो चाहे वो जनरल साइंस जनरल स्टडीज से रिलेटेड हो आपके स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर से तो मैं वो लेके आऊँ आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो टू द टाइम ऑफ लोड नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे